हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का ट्रिक। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे ट्रिक लेकर आता रहता हूँ जिसका यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर मिनिमम चार्जेस में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ट्रिक ओल्ड है या न्यू ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो ट्रिक कितना सेफ एंड सिक्योर है, जिसके जरिए आप पेमेंट करो तो आपका पेमेंट फंसे ना, कहीं पर होल्ड ना हो और आपको इंस्टेंट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अभी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि दावा करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पर आप उस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो या तो आपका मनी जो है फंस जाता है या फिर सेटलमेंट में काफी टाइम लग जाता है, और अगर सेटलमेंट होता भी है तो जितना चार्ज वहां पर बताया जाता है उससे अधिक चार्ज लगकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इस तरह से आपको काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं अगर आप कोई न्यू ट्रिक यूज करते हैं या फिर आप किसी विदाउट ट्रस्टेड एप्लीकेशन का यूज करके अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ओल्ड ट्रिक ही बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। बट पहले आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को ट्रांसफर करते थे तो आपको 1.5% का चार्ज लगता था। अभी यहाँ पर चार्ज घट गया है और अभी आप इस एप्लीकेशन का यूज करके 1% से भी कम चार्जेस में अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ ऑफर अप्लाई करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे और स्किप करके देखोगे तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे, जिस कारण से आपको 1.5% का चार्जेस ही देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 1% से कम चार्जेस वाला ट्रिक नहीं यूज कर पाओगे, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस ट्रिक को शुरू करते हैं। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्रेड एप्लीकेशन। मे बी आप में से सभी के पास में क्रेड एप्लीकेशन होगा, नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एश्योर होकर चलता हूँ कि आपके पास में क्रेड एप्लीकेशन है। तो इसका होम पेज जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कार्ड्स और मनी के बीच में एक सर्कल का आइकॉन बना हुआ है, उस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको क्रेड कॉइन्स भी दिखाते हैं। आपको पता है कि जब आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो यहाँ पर आपको क्रेड कॉइन्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ कॉइन्स को आप यूज़ करके इंस्टेंट जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी आपके कार्ड में क्रेडिट हो जाता है और कुछ कॉइन्स जो है यहाँ पर रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेड कॉइन्स को भी यूज़ करेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको 1.5% से कम का भी चार्जेस लगने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, तभी आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको पेरेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो, या फिर मैं एक और आपको तरीका बता देता हूँ। ऊपर में देखिए कंट्रोल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपने टैप कर देना है, और यहाँ पर भी आपको पेरेंट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप उस पर भी टैप कर सकते हैं। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पेज जो है मेरे सामने आ जाएगा जहाँ पर पे योर रेंट ऑन क्रेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अकाउंट को ऐड करके रखा हुआ है। आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए न्यू पेमेंट करके एक ऑप्शन बना होगा ऊपर में, इस पर आपने टैप कर देना है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है से आप क्या पे करना चाहते हो। यहाँ से आप हाउस रेंट पेमेंट कर सकते हो, मेंटेनेंस की पेमेंट कर सकते हो, ऑफिस रेंट पेमेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हो, ब्रोकरेज पेमेंट कर सकते हो, टोकन अमाउंट का पेमेंट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर हाउस रेंट पे करने वाले हैं तो इसलिए हम हाउस रेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है कि आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अभी 15,000 आपको ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ, आप अपनी मर्जी से जितना चाहते हो उतना आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पे विद क्रेडिट कार्ड एंड पे विद UPI। तो यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड का मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए हम पे विद क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेम एंटर करना है जो एज पर बैंक अकाउंट है, यानी जिसके भी बैंक अकाउंट में आप पैसा सेंड कर रहे हो उसके बैंक अकाउंट में जो नेम है वही यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, और दोबारा से एक बार अकाउंट नंबर एंटर करना है, और IFSC कोड एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और अदरवाइज अगर आप लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप उनका UPI ID भी दे सकते हैं, अगर आपके पास में UPI ID अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर UPI ID देने वाला हूँ, इसलिए मैं ट्राई लैंडलॉर्ड UPI वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं UPI ID डालकर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप UPI ID डालकर प्रोसीड करते हो उसके बाद में फेचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और फेचिंग होने के बाद में यहाँ पर आपको बता दिया जाता है से जो आपने UPI ID दर्ज किया है वो किसके नेम पे है। तो यहाँ पर आपने जिसका UPI ID डाला है उसका नेम दिखा रहा होगा, तो आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ।
उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है और पिन कोड एंटर करना है, स्टेट एंटर कर देना है और सिटी एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने एड्रेस एंटर करके प्रोसीड किया, उसके बाद में नेक्स्ट पेज आ चुका है जहाँ पर मुझे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो कार्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड करके रखे हैं उनको रेकमेंड कर रहा है कि मैं कौन से कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें कन्फर्म करना चाहता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके रेंट पे करते हो तो आपको 1.5% का चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1% से कम का चार्ज लगने वाला है। वो कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैं 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो कि मुझे 233 रुपये चार्ज लगेंगे सर्विस चार्ज वगैरह लगा के। तो यहाँ पर मैंने एक ऑफ़र अप्लाई करना है जिससे ये जो मनी है वेब ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं आपको ऑफ़र अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो टू ऑटो अप्लाइड ऑफ़र करके लिखा हुआ है, उस पर आपने टैप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कई सारे ऑफ़र्स देखने को मिल जाएंगे जिसे आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक जो ऑफ़र है ऑटोमेटिक जो है अप्लाइड हो चुका है और एक जो ऑफ़र है मैं यहाँ पर 5,000 कॉइन यूज़ करने वाला हूँ, क्लेम करने वाला हूँ, जिसमें मुझे मैक्सिमम जो है 200 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। इस पर मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसके टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है सभी कार्ड पर अवेलेबल है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके पास HDFC का कार्ड होगा तभी आप इस ऑफर को कलेक्ट कर पाओ, या फिर SBI या फिर एक्सिस बैंक का कार्ड है तभी आप इस ऑफर को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर इस ऑफर को अप्लाई करने के लिए कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो प्रोमो कोड अप्लाई किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 93.2 रुपीज़ सेव कर पा रहा हूँ, यानी अब मुझे 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के सिर्फ 149 रुपये पे करने हैं, जो कि 1% से भी कम मुझे लग रहा है यहाँ पर 15,000 रुपये पे करने का। तो आप भी इस तरह से ऑफर को अप्लाई करके मिनिमम चार्जेस में यानी 1% से कम चार्जेस में अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर ऑफर को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको पेमेंट भी करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दूंगा, मैं आपको पेमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जिसमें से मैं HDFC बैंक को ही सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ पर CVV डाला उसके बाद में पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में मुझे एक OTP रिसीव होगा उस मोबाइल नंबर पे जो मेरे कार्ड के साथ में लिंक है। तो मैंने यहाँ पर OTP डाल देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर कितना चार्ज लगा है और क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है, 15,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए हैं जिसमें मुझे सिर्फ 139 रुपीज़ का चार्ज लगा है। यानी आप देख सकते हो कहाँ आपको 233 रुपये चार्ज लग रहे थे और यहाँ पर मुझे सिर्फ 139 रुपीज़ चार्ज लग रहे हैं, जो कि 1% से भी कम मुझे चार्ज लगा है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे एक वाउचर भी मिला है जिसके जरिए अगर मैं नेक्स्ट पेमेंट करूँगा तो वहाँ पर मुझे 50 रुपये का इंस्टेंट जो है कैशबैक मिल जाएगा। उसके लिए मुझे किसी तरह का ऑफर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं पेमेंट करूँगा और 50 रुपये का मुझे कैशबैक मिल जाएगा जो कि मेरे नेक्स्ट मंथ बिल पेमेंट करने पर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो उस बैंक की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जिस बैंक में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर किया है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मुझे UPI के भैया 15,000 रुपये जो है अभी रिसीव हुए हैं। सो आप भी इस ट्रिक का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को 1% से कम चार्जेस में भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और पेमेंट की बात करें तो इंस्टेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जब आपको इमरजेंसी है उस टाइम आपको पैसे ना मिले तो किसी ट्रिक का यूज करने का क्या फायदा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।